ओम शांति। हमारी अति आदरणीय दादी जानकी, जो अपनी ईश्वरी विश्वविद्यालय की चीफ रही, उनके सानिध्य और पालना में मुझ आत्मा को रहने का अवसर प्राप्त हुआ। कहूँ दादियों की ही पालना मिलती रही। कुछ एक ऐसे अनुभव जो डायरेक्ट दादी ने मुझे शिक्षा के रूप से, स्नेह के रूप से शेयर किए, वो मैं आपके सम्मुख रखूंगी। दादी जी हम टीचर्स की टीचर्स थी। हम सबको उन्होंने संजोया, तैयार किया। एक बात, 1969 में हम कन्याओं की जो ट्रेनिंग हुई, जो पहली ट्रेनिंग थी, उसमें दादी ने मधुबन की क्लास में एक बात कहने को कहा कि ना कभी प्रभावित होना है और ना ही किसी के प्रभाव में आना है। ये बात उस समय एक यूथ होने के नाते समझ में कम आई, लेकिन दादी ने कहा है तो वो बात शेयर की। बहुत समय के बाद उसकी जो डेप्थ है वो समझ में आई। अगर हम किसी से प्रभावित होते हैं तो शिव बाबा और मुझ आत्मा के बीच में दूसरी आत्मा आती है और ग्रहण लग जाता है। मेरा अपना व्यक्तित्व आच्छादित हो जाता है दूसरी आत्मा से, मेरा व्यक्तित्व अपना नहीं रहता। और दूसरा, यदि मैं किसी को प्रभावित करने की कोशिश करती हूँ तो उसका अर्थ ये होता है कि मैं बाबा से उस आत्मा को दूर कर रही हूँ। आदरणीय दादी ने ये बात पढ़ा करके जीवन भर के लिए हमें एक शिक्षा दे दी। दूसरी बात, एक बार दादी के साथ भट्टी करने का, दादी जी हमारी टीचर थी, दादी क्लास करा रहे थे, हम सम्मुख बैठे थे और दादी जी देख रही थी ये क्या कर रही है। मैं फर्स्ट सीट पर बैठना पसंद करती थी तो दादी को आई कांटेक्ट पसंद था, परंतु मैं नोट्स लेती जा रही थी तो दादी ने पूछा ये क्या कर रही हो। मैंने कहा दादी नोट्स ले रही हूँ। किसके लिए? बताई दिल्ली वापस जाएंगे और दिल्ली में भाई बहनों को क्लास में सुनाएंगे। दादी जी फट से बोले ये पर चिंतन है। अब एक टीचर के नाते हम कुछ नोट्स ले रहे हैं, भाई बहनों के लिए मटेरियल मिल रहा है और उनको जाकर के हम देंगे, इसमें पर चिंतन कैसा हुआ? दादी जी बोले बैठी यहाँ हो और याद कर रही हो दिल्ली को, दिल्ली में भाई बहनों को सुनाएंगे। तो दादी ने कहा ये पर चिंतन है, ये क्यों नहीं सोचती कि मैं जो सुन रही हूँ उसको इतना धारण कर लूँ जो जाकर के वहाँ सुनाऊँ। अपना धारणा का स्वरूप वही मैं जाकर के दिखाऊँ, उससे ज़्यादा सीखेंगे। बात समझ में आई कि सच है, जब हम धारणा कर लेंगे तो हमारी धारणा बोलेगी, फिर हमें सुनाने की जरूरत नहीं होगी। तीसरी बात, एक बार दादी जी के साथ चर्चा हो रही थी तो पुरुषार्थी जीवन में कई बार ऊंचाई निचाई बहुत प्रकार की बातें आती हैं। मैं बहुत सेंसिटिव नेचर की थी। दादी को कहा दादी इतनी बातें होती हैं, आखिर मैं पत्थर थोड़ी हूँ
जो मेरे पर बिल्कुल भी असर नहीं होगा। दादी बोले, पत्थर बन जाओ। मुझे ये ठीक तो नहीं उस समय लगा, पत्थर बन जाओ, सुनते रहो सबकी। दादी ने कहा, पत्थर बन जाओ। और ये शायद उस समय मुझे क्रूड शब्द लगा, सख्त शब्द लगा, लेकिन सच्चाई तो यही है कि हमें अपने आप को बिल्कुल इतना शक्तिशाली बनाना है, अचल अडोल बनाना है, जो कोई भी आत्मा का प्रभाव, कोई कुछ भी कहती है, ठंडा गरम, निंदा स्तुति, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, इसका प्रभाव न पड़े। अपनी ज्ञान की अवस्था, योग की स्थिति, धारणा इतनी स्ट्रांग हो जो कोई भी इन्फ्लुएंस और इफेक्ट में ना आए। एक और घटना जो बहुत ही शिक्षाप्रद रही, वह थी एक बार एक आत्मा जिसके साथ मेरा बहुत अच्छा व्यवहारिक संबंध था और बहुत विश्वास भी था। उस आत्मा ने मेरे साथ झूठ बोल दिया। झूठ बोला तो मुझे बहुत रंज हुआ कि जिस पर मैंने इतना विश्वास किया वो आत्मा ने मेरे साथ झूठ बोला, मेरे विश्वास को तोड़ दिया। मैंने दादी को बताया, दादी ऐसी ऐसी बात है। दादी ने कहा कि ठीक नहीं है, तुम इतने वर्षों के, उन्होंने पूछा मुझसे, तुमने कितना समय लिया इतना विश्वास उस आत्मा पे करने का। मैंने, दादी बहुत वर्ष। तो कहती, बहुत वर्षों के विश्वास को तुम एक घटना से तोड़ रही हो। तो मैंने कहा, दादी लेकिन उसने ऐसा किया। कहा, एक घटना और इतने वर्षों से विश्वास में चली, बात तो राइट है। दादी जी बोले कि नहीं, विश्वास रखना होगा, दिल से क्षमा करना होगा। मैं, दादी वैसा विश्वास तो नहीं हो सकता। बोले, अगर तुम विश्वास नहीं रखोगी तुम्हारे वाइब्रेशन जाएंगे, और जो तुम्हारे वाइब्रेशन जाएंगे उसको वो नॉर्मल होने नहीं देंगे, तुम्हारे संबंध नॉर्मल नहीं हो पाएंगे, तुम्हें विश्वास रखना होगा। मैं, दादी अटेंशन तो रखना पड़ेगा। दादी बोले, अटेंशन भल रखो परंतु विश्वास नहीं तोड़ो, दिल से क्षमा करो। और ये बात मुझे बहुत अच्छी रीति से याद रहती है। पारस्परिक संबंधों में ऐसी बातें आती हैं और हम देखते हैं कि जब दिल से क्षमा करते हैं और विश्वास रखते हैं तो वो बात ठीक सुधर भी जाती है। लास्ट बात एक और सुनाना चाहूँगी, और वो ये कि अपनी आदरणीय दादी बेहद बुद्धि थी। दादी ने अपने व्यक्तित्व के द्वारा हमें सिखाया कि मनसा शक्ति में सेवा कितनी है। हम लोग दिल्ली में जब भी वीआईपी से मिलते थे, सेवा करते थे, तो दादी जी हमें कहती थी कि जब आप मिलो तो मुझे लंदन में फोन कर देना, मैं उस समय योग करूंगी, सकाश दूंगी। ये बात मैं कब से बता रही हूँ, 76 ऑनवर्ड्स। और दादी उस समय लंदन में बैठ के योग करते थे, सकाश भेजते थे। ये है विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा की निशानी, जो अपना क्षेत्र नहीं देखती, जो अपनी सेक्शंस नहीं देखती, इन सब से ऊपर उठ कर के विश्व कल्याण, विश्व सेवा के प्रति स्वयं को समर्पित करती है। और ऐसी मनसा शक्ति से सेवा हम देखते हैं दादी जी ने आरंभ से की है।
जब भी कोई बहन भाषण करती थी तो दादी कहते थे हम तो साइलेंस में है ना, हम साइलेंस में बैठ करके उसको योग का दान दें, सकाश दें, ताकि जो बात उसे कहनी चाहिए वो उसकी बुद्धि में इमर्ज हो। प्रायः भाई बहने कहते हैं देखो इसने ये भी नहीं सुनाया, ये भी नहीं सुनाया, लेकिन दादी कहते हैं ऐसा नहीं, उसको मदद हम कर सकते हैं सकाश देवे, ताकि वो आत्मा अपनी सेवा को अच्छी रीत से कर सके। वो उसकी सेवा नहीं, हम सबकी सेवा है। आदरणीय दादी नवीनता की सागर थी और सदा नई नई बातें दादी जी की इमर्ज होती थी। प्यारे बाबा नवीनता के सागर हैं और हमारी दादी मास्टर नवीनता की सागर थी। दादी ने एक बार सुनाया था कि लंदन में क्लास कराने के बाद जब मैं कमरे में आई तो कुछ माताएं आईं और बोली क्या नया सुनाया, वही बात सुनाई। दादी कहते उस दिन से मैंने लक्ष्य रख लिया कि नहीं मुझे कुछ नया नया सुनाना है। और डेली दादी कहते क्लास कराती थी तो नवीनता, दादी के सामने कोई भी आए तो कुछ ना कुछ लेकर के जाए, दादी ये ध्यान पे रखते थे। बात बात में पद्मों की बात कह जाते थे। एक बार बोले कि जिसके साथ आपका स्नेह है और अटैचमेंट है दोनों में अंतर क्या होगा। अगर स्नेह है तो आपको कभी भी आत्मा कोई भी बात कहेगी तो बुरी नहीं लगेगी, अटैचमेंट है तो आपको बुरा लगेगा। इफ इट हर्ट्स इट इज अटैचमेंट। आपको अगर दुख होता है तो अटैचमेंट है, लगाव है, और उससे आपको मुक्त होना है। न्यारा ऐसी थी हमारी आदरणीय दादी जिन्होंने अपने जीवन से हमें इतनी मीठी प्यारी शिक्षाएं दी। और दिल तो ये करता है दादी जी के कदमों पर चलकर हम भी उन जैसा बन जाएं। ओम शांति।